तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, आज के वीडियो में बात करने वाला हूँ एक ऐसा फेस वॉश के बारे में जो हमारी स्किन पे होने वाले कई तरह की प्रॉब्लम को हटाएगा। देखो गाइस, जो आज के वीडियो में प्रोडक्ट के बारे में बात करने वाला हूँ, ये सीरियसली में ही हमारी स्किन पे होने वाले कई तरह के पिगमेंटेशन, हमारे स्किन के मुहासे के निशान, काले धब्बे के निशान, हमारे स्किन को गोरा बनाने की बात हो तो इन सभी के लिए हमारे लिए बहुत ज्यादा हेल्प करेगा ये प्रोडक्ट। तो देखो गाइस, आज की वीडियो में इसका रिव्यू देने वाला हूँ आपको। मैं सब कुछ आज की वीडियो में डिटेल से बताने वाला हूँ, इसको हम कब कब यूज कर सकते हैं, ठीक है ना गाइस, कौन कौन सी स्किन पे ये सूट करेगा, इसका रिजल्ट है जो हमारी स्किन पे कितने दिन में मिलने वाला है, ठीक है ना गाइस, कौन कौन सी स्किन पे हम इसको लगा सकते हैं। तो आज की वीडियो में सबको डिटेल से बताऊंगा इसका कितना प्राइस है, ठीक है, कितने टाइम तक हम इसको लगा सकते हैं। आज की वीडियो में सबको डिटेल से बताने के बाद आपको एक ऐसी क्रीम के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ जो आप रेगुलर टाइम तक यूज करने के बाद आपकी स्किन को गोरा बना सकते हो या आपकी स्किन पर कई तरह की प्रॉब्लम है उसको हटा सकते हो। तो पहले बात कर लेता हूँ वूडो स्किन फेस वॉश के बारे में, जो एक स्किन लाइटनिंग फेस वॉश है जो हमारी स्किन पर होने वाली कई तरह की ऐसे प्रॉब्लम को हटाता है, जो हमारी स्किन पर कई तरह के पर्यावरण प्रदूषण से जो नुकसान होता है उसकी प्रॉब्लम को हटाने के साथ साथ हाइपर पिगमेंटेशन को ठीक करता है। तो पहले बात कर लेता हूँ इस प्रोडक्ट के बारे में। तो देखो गाइस, ये प्रोडक्ट क्या करता है, हमारी स्किन पर होने वाली डर्मिस या एपिडर्मिस नाम से जो स्किन होती है उसको बिल्कुल क्लियर करता है, जिससे उसके अंदर होने वाले कई तरीके नुकसान को बिल्कुल खत्म करता है, जिससे हमारी स्किन धीरे धीरे ग्लो होना स्टार्ट हो या हमारी स्किन को स्किन अच्छा टोन प्रदान करने में हेल्प करता है, जिससे हमारी स्किन पर कई तरीके जो नुकसान हो चुके हैं उसको बिल्कुल रिकवरी कर सके। हमारी स्किन को ये पुनर्जीवित करने में भी काफी हद तक हेल्प करता है, जिससे हमारी स्किन बहुत अच्छी तरह से ग्लो करती है, हमारी स्किन पे मुहासे के जो निशान है उसको हटाता है। अब बात करता हूँ इसके इंग्रेडिएंट्स के बारे में। तो देखो गाइस, इसके अंदर यूज किए हैं इंग्रेडिएंट्स, जैसे इसके अंदर फर्स्ट इंग्रेडिएंट यूज किया है कोजिक एसिड। देखो गाइस, आपको भी पता है कोजिक एसिड एक ऐसा इंग्रेडिएंट्स है जो हमारी स्किन पे होने वाले कई ऐसे प्रॉब्लम जिसको हमारी स्किन को बिल्कुल नुकसान दे सकता है उसको हटाने में काफी तक हेल्प करता है। और कोजिक एसिड कई क्रीमों में यूज किया जाता है जो हमारे स्किन के लिए काफी तक हेल्प करता है स्किन को गोरा बनाने के लिए, ठीक है। इसके अंदर यूज किया गया है सिलिसिलिक एसिड। सिलिसिलिक एसिड एक मेन इंग्रेडिएंट होता है जो हमारी स्किन पे पिंपल्स की जो प्रॉब्लम है उसको जल्दी से खत्म करता है, ब्लैकहेड्स को हटाता है और व्हाइट हेड्स को दोनों को हटाने में काफी तक हेल्प करता है, जो हमारी स्किन के लिए बहुत ज्यादा हेल्प करता है। इसके अंदर यूज किया गया है नियोसिनामाइड। नियोसिनामाइड एक ऐसा इंग्रेडिएंट है जो हमारे स्किन के लिए बहुत ज्यादा हेल्प करता है स्किन पर कई तरह की प्रॉब्लम को हटाने के लिए, ठीक है, जैसे डार्क सर्कल की प्रॉब्लम है उसको हटाता है, ठीक है, हमारे स्किन के मेलेज्मा की प्रॉब्लम है उसको हटाता है। इसके अंदर ग्लाइकोलिक एसिड यूज किया गया है। ग्लाइकोलिक एसिड हमारे स्किन पर होने वाले पर्यावरण प्रदूषण से नुकसान से या फिर सन से हमारी स्किन डैमेज हो चुकी है तो उसको बिल्कुल खत्म करता है और हमारे स्किन को ग्लो करता है। तो सारे इंग्रेडिएंट्स के बारे में डिटेल से आपको बता दें। देखो गाइस, मैं इसी प्रोडक्ट के बारे में क्यों बता रहा हूँ, इसी फेस वॉश के बारे में आज के वीडियो में क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि गाइस कई आपने केमिकल क्रीमें यूज करी है, कई मार्केट में ऐसे केमिकल स्टोरेड केमिकल क्रीमें आ चुकी है जैसे हम यूज करके हमारी स्किन को बहुत ज्यादा खराब बना चुके हैं, जैसे स्किन को रेडनेस बना चुका है, स्किन को सेंसिटिव बना चुका है, स्किन को ड्राई बना चुका है। हम जैसे यूज करते हैं तो हमारी स्किन जैसे डलन जलन टाइप होती है। तो आपको बात क्लियर कर देता हूँ, इस फेस वॉश से ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। अब बात आपको मैं करता हूँ कौन कौन सी स्किन पे हम इसको लगा सकते हैं। तो देखो, इससे एक ऐली स्किन सूटेबल है, आप इसको लगाओगे तो आपकी स्किन बिल्कुल भी जलन टाइप नहीं होगी, स्किन पर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और स्किन को रेड बिल्कुल भी नहीं करेगी। अब आपको कौन सी स्किन पे नहीं लगाना, अगर आपकी स्किन बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट्स हो चुकी है, स्किन पर बहुत ज्यादा हैवी साइड इफेक्ट्स है, जैसा आपको डॉक्टर ने सलाह दी है कि आपको कौन सी भी क्रीम या कौन सा भी फेस वॉश यूज नहीं करना है, तो उस स्किन पर उस कंडीशन में आपको इस फेस वॉश का यूज नहीं करना है। ये बात आपको मैं सीधी सी बात क्लियर कर देता हूँ, बाकी अदर आपको इस फेस वॉश का अप्लाई कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आती, ठीक है। अब आपको मैं बता देता हूँ इसके रिजल्ट के बारे में। तो देखो गाइस, इस क्रीम का रिजल्ट आपको थोड़े टाइम बाद ही मिलना स्टार्ट हो जाएगा। ये कोई क्रीम नहीं है जिसका रिजल्ट आपको ओनली फॉर 3 दिन 4 दिन 5 दिन में ही मिलेगा, ये एक फेस वॉश है जिसका रिजल्ट आपको थोड़ी काफी टाइम बाद मिलेगा, 20-21 दिन बाद, यूज करने के बाद, आपको अप्लाई करने के बाद इसका रिजल्ट आपकी स्किन पर दिखना स्टार्ट होगा, ठीक है गाइस। अब बात कर लेता हूँ इसके प्राइस के बारे में। देखो गाइस, इसका बिल्कुल नॉर्मली प्राइस है, आपको अमेजोन पर आपको ये अवेलेबल मिल जाएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, वहां जाकर आप इसको परचेस कर सकते हो, ओरिजिनल आपको मिलेगा, ठीक है ना गाइस। बाकी अदर ऐसे वेबसाइट है जिसपे आपको फेक प्रोडक्ट भी मिल सकते हैं, बताते क्या है और भेजते क्या है वैसे आपको मिल सकता है, ठीक है ना गाइस, आपको मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, ठीक है ना, वहां जाकर आप मंगवा सकते हो इसी प्रोडक्ट को, ठीक है गाइस। अब बात करता हूँ अप्लाई करने का सीधा सा और अच्छा तरीका। देखो, इसको अप्लाई आप किस तरह से कर सकते हो जिससे आपके स्किन पर होने वाली कई तरह की प्रॉब्लम हो जल्दी से खत्म हो और आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्प कर सके। तो देखो, इसको यूज करना है आपको मॉर्निंग में, दिन में, नाइट में, तीनों टाइम आप यूज कर सकते हो, जो आपकी स्किन के लिए काफी तक हेल्प होगा, ठीक है ना। ये कोई क्रीम नहीं है, इसको नाइट में सोते समय यूज नहीं करना है, ओनली फॉर 3 टाइम आप इसको अप्लाई कर सकते हो और अच्छी तरह से फेस को बिल्कुल
होने वाली प्रॉब्लम को हटा सकते हो, ठीक है ना। आप इसको फेस को अच्छे तरह से धो लेना, ठीक है ना। अब आपको एक बात क्लियर कर देता हूँ, फेस वॉश यूज करने के बाद, अप्लाई करने के बाद आप मन में सोचा हम ऐसा कौन सा कोई यूज करें जिससे स्किन पर कोई प्रॉब्लम नहीं हो। देखो गाइस, आपको पता अब गर्मी आना स्टार्ट हो चुकी है, तो गर्मी में हमारी स्किन पर कई तरह की प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो जाती है। सुन, ये जो धूप की जो किरण होती है उससे स्किन पर कई तरह की डैमेज हो जाती है, स्किन पर कई तरह के नुकसान हो जाते हैं। तो आपको यूज करना है एक अच्छा सा सनस्क्रीन या अच्छा सा मॉइस्चराइजर। अब ये क्या करेंगे, आपकी स्किन पर होने वाले सूरज से होने वाली हेवी किरणों से आपकी स्किन को बचाने में हेल्प करेगी, जिससे आपकी स्किन को बिल्कुल डैमेज नहीं होने देगी, स्किन को बिल्कुल स्मूथ रखेगी, जिससे आपकी स्किन पर कोई प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं होगी। तो ठीक है गाइस, मैंने इसके बारे में बता दिया। अब बात करता हूँ एक ऐसी क्रीम के बारे में, उसको यूज करके आपकी स्किन को आप गोरा बना सकते हो और आपकी स्किन पर किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम भी नहीं आएगी, जैसे स्किन कोई रेडनेस नहीं होगी, स्किन सेंसिटिव भी नहीं होने वाली। डॉक्टर खुद रिकमेंड करते हैं अपने पेशेंट को इस ये क्रीम देने के लिए। जो आपको मैं बता रहा हूँ वो क्रीम है कोजिक एसिड की क्रीम है, विटामिन सी की क्रीम है, विटामिन ई की क्रीम है। जो है कोजिक एसिड और विटामिन सी की एक क्रीम आती है जो आपको स्किन पर दिख रही है, ये क्रीम आप अप्लाई कर सकते हो स्किन पर, आप इसको रेगुलर टाइम तक लगा सकते हो, स्किन पर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो भाई डॉक्टर क्यों विटामिन सी और कोजिक एसिड वाली क्रीमों के बारे में बताते हैं। देखो गाइस, अक्सर होता क्या है, कई ऐसी क्रीमें होती है जिसके अंदर कई ऐसे इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो हमारी स्किन पर बिल्कुल सूट नहीं करता, बट जो विटामिन सी होते हैं, ठीक है, विटामिन ई होती है, इनके सीरम भी आते हैं, वो सीरम भी आप अप्लाई कर सकते हो, इनसे भी हमारी स्किन पर कोई प्रॉब्लम नहीं होती। अगर आप ये जो आपको मैं बता रहा हूँ ये क्रीम, अगर आप इनका यूज करते हो स्किन पर, तो आपकी स्किन पर कोई प्रॉब्लम नहीं होती, होने वाले कई तरह की प्रॉब्लम को हटाता है, जैसे पिगमेंटेशन, स्किन बिल्कुल ब्लैक है, ठीक है, स्किन पर डार्क सर्कल की प्रॉब्लम है, उसको हटाने में काफी तरह की हेल्प करता है। देखो इस वीडियो में इसलिए इस क्रीम के बारे में आपको बता रहा हूँ क्योंकि आप फेस वॉश के साथ साथ एक रेगुलर टाइम तक क्रीम भी लगा सकती हो, जिससे आपकी स्किन पर होने वाली कई तरीके प्रॉब्लम हट जाएगी और आपकी स्किन धीरे धीरे ग्रो होना स्टार्ट होगी। ठीक है, अब बात करता हूँ इस क्रीम के अप्लाई करने के बारे में, आप इस क्रीम को कैसे अप्लाई कर सकते हो। तो देखो आप इस क्रीम का अप्लाई नाइट में सोते समय कर सकते हो, जिससे आपकी स्किन के लिए हेल्प होगा। नाइट में सोते समय ही इस क्रीम का अप्लाई करना है, सुबह मॉर्निंग में उठने के बाद आप जो फेस वॉश के बारे में आपको मैंने बताया वो फेस वॉश आप लगा सकते हो। ठीक है ना, आप कैसे अप्लाई करना और आपको अच्छा सा मॉइस्चराइजर लगाना है। देखो गाइस, आज के वीडियो में बोडो फेस वॉश के बारे में और क्रीम के बारे में डिटेल से इसलिए आपको मैं बता रहा हूँ। मेरे पास कई ढेर सारे ऐसे कमेंट्स आए हैं कि सर हमारे को इसके बारे में बता दो, इसके बारे में बता दो, लेकिन फिर भी उनकी स्किन पे ऐसी प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो जाती है जो बिल्कुल भी सही नहीं होती है। ठीक है ना गाइस, कई लोग ऐसे क्रीम यूज करते हैं जैसे उनके स्किन पर कई तरह की प्रॉब्लम हो जाती है, जैसे कोई डार्क सर्कल के लिए यूज करते हैं, डार्क सर्कल हट तो जाते हैं लेकिन गाइस जैसे वो हटते हैं उनकी स्किन पर और ज्यादा प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है ना गाइस, जैसे स्किन रेडनेस सेंसिटिव और वो ऐसी क्रीम यूज करते हैं जो स्टेरॉइड होती है। आपको पता है स्टेरॉइड कौन कौन सी क्रीम होती है, जिसके अंदर हाइड्रोक्विनोन यूज किए गए हैं वो स्टेरॉइड होती है, क्लोबेटासोल यूज उसके अंदर किया गया, बेटामेथासोन यूज किए गए हैं वो स्टेरॉइड वाली क्रीम होती है, जिसके अंदर ये इंग्रेडिएंट यूज किए गए हैं वो स्टेरॉइड वाली क्रीम है। तो प्लीज अगर ऐसी क्रीम आपको कोई सजेस्ट करता है, ठीक है ना, तो प्लीज ऐसे क्रीम नहीं लगाओ, नहीं तो आगे जाकर आपकी स्किन पे प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये क्रीम के बारे में, बोडो फेस वॉश के बारे में आज की वीडियो मैंने डिटेल से रिव्यू कर दिया। अगर वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगती है तो गाइस लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मैं ऐसे ही कॉन्टेंट बनाता हूँ जिसके अंदर कई तरीके सीरम, कई तरीके क्रीमों के बारे में रिव्यू करता देता हूँ। तो बस आज की वीडियो में इतना था, वीडियो अच्छी लगती है लाइक।